लोकसभा चुनाव में खजुराहो सीट को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनीलम मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से अब इस सीट को वो देखते हैं। सर, आपकी जो प्रत्याशी थी वो विड्रॉल हो गए हैं एक टाइप से उनका फॉर्म, तो किस तरह से लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? जी, मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ और पूर्व विधायक दल का नेता हूँ। जो कुछ भी हुआ ये षड्यंत्र के तहत हुआ। बीडी शर्मा जी अध्यक्ष हैं तो उन्हें लगता है उनका प्रदेश है, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं 7 चुनाव लड़ा हूँ और कम से कम 100 से ज़्यादा चुनाव मैंने लड़ाए हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि जब व्यक्ति नॉमिनेशन के लिए जाता है तो उसकी बहुत कड़ी जाँच पड़ताल उसके फॉर्म की होती है। कम से कम 6-8 लोग लगते हैं उसके अंदर, और जो भी कमी पेशी होती है उसे बुला करके वो दूर कर लेते हैं। इसके बाद में जो उनका एक असिस्टेंट निर्वाचन अधिकारी होते हैं, पहले वो देखते हैं, उसके पहले बाबू देखते हैं, फिर वो देखते हैं खुद। अगर इतने बड़े अधिकारी को ये दिखलाई नहीं पड़ा कि दस्तखत जो है वो नहीं है और पुराना मतदाता सूची है, तो भाई मतदाता सूची के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी। अब आपके विभाग ने अगर समय से नई मतदाता सूची नहीं दी तो क्या करे? नहीं भरता तो आप रिजेक्ट कर देते कि उसने मतदाता सूची नहीं लगाई है, है ना? वो पुरानी लगाई तो आपने रिजेक्ट कर दिया, नई आपने दिलवाई नहीं, है ना? ये तो एक षड्यंत्र है। मेरा कहना ये है कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये मामला केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, पूरा इंडिया गठबंधन, पूरे विपक्ष, पूरे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के साथ में जुड़ा हुआ मामला है। चुनाव आयोग सक्षम है, उसे निर्देश देना चाहिए जो भी त्रुटियां हैं उनको वो पूरा कराए और उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दे। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो याद कीजिए, चुनाव के रास्ते में हटाने के लिए मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, केस चलाए गए, सजा कराई गई, चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया। तब बहुत सारे लोग बहुत खुश थे, राजनीतिक दल के लोग। लेकिन जब वही राहुल गांधी के साथ हुआ तो पूरे देश को समझ में आया कि कैसे षड्यंत्र करके मुकदमा लगवा दो, सजा करवा दो और फिर उसके बाद में इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करो। ऐसा ही ये मामला है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो फिर ये पूरे विपक्ष के अंदर, जैसे कोऑपरेटिव्स के अंदर होता है, कोऑपरेटिव चुनाव में क्या होता है, विपक्ष के लोग फॉर्म भरते हैं, बताते हैं आपका यहाँ का न्यूड्यूज़ नहीं है, यहाँ का आपका सर्टिफिकेट नहीं लगा है, उसको रद्द कर देते हैं। तो क्या लगता है कि लगातार उसको जो है मोदी जी ने इसको कोऑपरेटिव चुनाव बना दिया है, उन्हें लगता है घर का चुनाव है, जैसे चाहे आप करो। तो ये तानाशाही का मामला है और इस तानाशाही से निपटने के लिए अब समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को और जनता को सड़कों के ऊपर आना जरूरी है। बिहार के अंदर जिस तरीके से ईवीएम को जो है मैनिपुलेट किया गया था, उस समय अगर सड़कों पे आ गए होते तो तेजस्वी चीफ मिनिस्टर होते। फिर मैनिपुलेशन जो है अखिलेश यादव के यहाँ यूपी में हुआ, उस समय भी अगर जनता सड़कों पर आ गई होती तो शायद चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव होते। तो ऐसे तो विपक्ष की आप सरकार नहीं बनने दो, आप पहले तो उम्मीदवार ही नहीं आने दो। उम्मीदवार अगर आ जाए तो फिर आप उसको खरीदने की कोशिश करो, अगर सरकार बना ले तो आप सरकार को जो है आप गिरा दो। 10-10 सरकारें गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और इसलिए जनता को सामने आकर के लोकतंत्र बचाना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। तो क्या लगता है प्रथम दृष्टया अब किस पर कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में और किस तरह का अब स्टंट समाजवादी पार्टी का आगे रहेगा? सबसे पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए, निर्वाचन अधिकारी को जो है तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। फिर ये षड्यंत्र में शामिल कौन है? बीडी शर्मा है इसके अंदर, है ना? बीडी शर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि षड्यंत्र करने वाला और करवाने वाला दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। तो इसमें सरकारी अधिकारी मिले हुए हैं, इसमें पार्टी मिली हुई है, उन्हें लगता है कि चुनाव वैसे तो नहीं जीत सकते थे। खजुराहो के अंदर बहुत टफ फाइट थी, ये सबको मालूम था, पूरा मीडिया इस बात को कह रहा था, जनता इस बात को कह रही थी, तो फिर इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया, शॉर्टकट है। तो अब समाजवादी पार्टी का अब किस तरह का स्टैंड रहेगा आगामी? अब चूंकि अब फॉर्म तो भर ही नहीं पाया समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके जो प्रवक्ता हैं वही बताएंगे। मैं तो केवल इतना ये कह सकता हूँ कि ये गलत हुआ है, इसका सड़कों के ऊपर विरोध किया जाना चाहिए। आपको याद है ऐसे ही हुआ था, रामकुमार पटेल का एक बार सुषमा स्वराज के खिलाफ में जो है उसको भी रद्द करने का काम कर दिया गया था। उस समय भी लोग अगर सड़कों पर उतरे होते तो शायद आज ये वाकया नहीं दोहराया गया होता। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनीलम। इनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र की एक तरह से हत्या खजुराहो में की गई है और उसकी जो है निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।